तो मरने के बाद की ज़िंदगी जो हकीकत में कभी ख़त्म नहीं होने वाली। वाकया तो ये है, जिसे ख़त्म होना था वो मौत के साथ ख़त्म हो गई, ज़िंदगी का वो फेज़ मौत के साथ ख़त्म हो गया। अब उसके बाद उसके फेजेस बदलते रहेंगे, मगर अब उसके बाद ज़िंदगी ने ख़त्म नहीं होना। कब्र की ज़िंदगी रहेगी, बरज़ख की ज़िंदगी, फिर रोज़े क़यामत की ज़िंदगी, फिर रोज़े क़यामत के बाद खुलूद की ज़िंदगी, जन्नत है या जहन्नुम है माज़ अल्लाह, वो फिर वो ऐसी ज़िंदगी है जो मरने के बाद आती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जो थोड़े दौरानिए के लिए आती है, ये फ़ैसला कर देती है ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का कि वो कैसी होगी। उसके बाद उस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। जो इस ज़िंदगी में कमाया वही काम आएगा, और जो गंवाया उसी का नुकसान होगा। इस ज़िंदगी में इंसान जो कमाता है या गंवाता है, उसी की जज़ा और सज़ा भुगतता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस ज़िंदगी को संवारें, और इस ज़िंदगी को संवारने के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपने रवैयों को संवारें। क्या कहा मैंने? अपने रवैयों को संवारें। जिसने इस ज़िंदगी में अपने रवैये दुरुस्त कर लिए, रवैये संवार लिए, उसकी बाद अज़ां सारी ज़िंदगी संवर गई। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।